तो और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज सेंजी एंड भाई साहब, रुको रुको इंस्पेक्टर आ चुका है भाई, गेम पॉज करते हैं। और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज सेंजी एंड भाई साहब, प्लेनेट जू की वीडियो भाई आज कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो में भाई मैंने जितना भी कबाड़ा अब तक कराया है, पूरा पूरा कबाड़ा भाई हम लोग यहाँ पे सही करने वाले हैं। मैंने भाई प्रॉपरली हर चीज पता कर लिया इस गेम के बारे में भाई, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। बट सबसे पहले यार, मैं ना सबसे पहला काम तुम में से 87% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। एंड जिसने कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया यार सही में। एंड बाकी अब बारी आती है भाई तुम सबके कमेंट्स पढ़ने की। भाई तुमने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, बहुत तगड़े तगड़े सजेशंस दिए हैं, तो सबके कमेंट पढ़ते हैं। चलो बैठ के अभी एक बार दो मिनट। सबसे पहला कमेंट यहां मैं पढ़ने वाला हूं संचय गोयल भाई का। भाई ने लिखा है, भाई आप एनिमल्स को क्लिक करके उनका हैप्पीनेस लेवल देख सकते हो और हैबिटेट को उनके हिसाब से बना सकते हो। ये चीज हम लोग करने वाले हैं, मैंने भाई पहले देख लिया है। भाई आपको वर्क जोन बनाना पड़ेगा ताकि कीपर काम कर सके, वरना वो नहीं करते कुछ भी हो बाकी स्टाफ भी। ओके तो ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी भाई आए हैं, और भाई एडुकेटर हायर करो, ठीक है ये मैंने हायर कर लिया था। एंड भाई आपकी जितनी पॉपुलैरिटी होगी उतने ज्यादा बढ़ेंगे, भाई क्या बढ़ेंगे वो भी बता देते एक बार, बट चलो कोई नहीं। एंड बाकी और भी हमारे पास कमेंट आए हैं। भाई सबसे प्यारे कमेंट तो मेरे को डार्क सेवर टूथ के लगे, भाई ने काफी कमेंट करके बताया मेरे को, जब एनिमल कंफर्टेबल नहीं होता तो प्रोटेस्टर आते हैं, ये मैंने सेकंड वीडियो में बोला था, तुमने कमेंट नहीं पढ़ा। भाई अब मैंने पढ़ लिया, सारे कमेंट पढ़ता हूं, तुम टेंशन मत लिया करो। नॉनवेज एनिमल्स के लिए प्लेट यूज मत करो, एक फ्लैट प्लेट होती है उनके लिए, ओके तो ये भी हम लोग करेंगे। ये सारी चीज भाई को पता चल गई। तो भाई पहली प्रायोरिटी हमारी कंफर्ट ऑफ स्टाफ ये होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कंफर्ट ऑफ विजिटर्स, थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन ऑफ गेस्ट, और टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कंफर्ट ऑफ एनिमल्स। यार मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ लिया, भाई लास्ट कमेंट आ जाता है हमारा विवेक पाटिल का। तो भाई कह रहे ब्रो सारे वर्कर्स को वर्क जोन में ऐड करो, और फिर उस वर्क जोन में अपने एनिमल्स को और हैबिटेट को ऐड करो, तो वो ऑटोमेटिकली फूड और वाटर दे देंगे और क्लीन करेंगे। ये सारी चीजें भाई करने वाला हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करने वाले हैं हमारा वर्क जोन वाला। हम लोग चलेंगे यहां पर हमारे वर्क जोन में, देखो हम लोग सिर्फ अभी वर्क जोन में जाके हम लोग एडिट वर्क जोन करेंगे। एंड अभी जितने भी हमारे यहाँ पे वर्क जोन, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स है वर्क जोन है, एंड ये लो ठीक है, अच्छा इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हम। एंड हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारे हैबिटेट्स को, जितने भी हमारे यहाँ पे टोटल चार हैबिटेट है ना सिलेक्ट हो जाए। हाँ ये हैबिटेट को मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। एंड भाई हमने सिलेक्ट कर लिया एक ये वाला हैबिटेट, ठीक है ये सब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया वर्क जोन में। एंड ये वर्क जोन नंबर वन हो गया हमारा, ठीक है। एंड अभी हम लोग भाई इसको यहाँ पे सही है चल जाएगा इस पर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, बार इसमें हमारी चार हैबिटेट है, छह बिल्डिंग है, जीरो स्टाफ रूम है। रुको। इन सब को हम लोग वर्क जोन वन के अंदर डाल देंगे, जितने हमारे वर्कर हैं भाई इन सब के सब वर्कर्स को हम लोग वर्क जोन वन में डाल देंगे। इसको भी वर्क जोन वन में, तुम भी चलो वर्क जोन वन में। एंड भाई जितने भी हमारे सारे वर्कर होंगे भाई वर्क जोन वन में चले जाएंगे, तो ये भाई अच्छे से काम करेंगे। नहीं रुको, जो हमारे ये हैं स्टाफ कहाँ पे है हमारे, हाँ इनमें से भाई हमें देखना है कौन से स्टाफ है भाई, कौन सा स्टाफ है ये अभी हमें, रुको हमारा ये आएगा हमारे भाई दूसरे हैं, रुक जाओ ये वाले हमारे कौन से हैं, इसको चल सबको डाल देते हैं, ठीक है सबको डाल देते हैं। ये चीज मेरे को पता है थोड़ी सी हल्की बहुत गड़बड़ कर सकता हूँ यहाँ पे, वो तुम लोग करेक्ट कर देना मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड बाकी क्या हम लोग इस वर्क जोन के अंदर हम इनको भी ऐड कर सकते हैं क्या हमारे, हाँ इनको भी ऐड कर सकते हैं, लेट्स गो। तो हमारे जो वर्कर होंगे दूसरे वाले वो इन सब के अंदर आ जाएंगे, तो यार ये सही हो जाएगा अब, ठीक है अब काफी बढ़िया हो गया। एंड नो स्टाफ रूम इन वर्क जोन, ओके। अभी हम लोग को एक चीज और हमें फिक्स करनी है, जो की है भाई हमारे स्टाफ की, जो हमारा ये स्टाफ रूम है भाई, स्टाफ रूम हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे स्टाफ की भाई कमी पड़ रही है स्टाफ रूम की, तो हमारे पास भाई स्टाफ रूम स्मॉल, स्टाफ रूम बिग वाला नहीं है क्या हमारे पास, स्टाफ रूम फिलहाल भाई स्मॉल ही है, तो हमें स्मॉल ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अरे उल्टा लगा दिया यार मैंने, हटो नहीं इसको हम लोग यहाँ पे जेड करके स्ट्रेट करके लगा देते हैं भाई। एंड इसको यहाँ पे लगा करके लग जा, टेरेन मॉडिफिकेशन फेल्ड, ऐसा क्यों आ रहा है भाई ये, ओके यहाँ लग गया ठीक है कोई नहीं, ठीक है ये सारी चीज यहाँ पे लग चुकी है बढ़िया तरीके से। एंड अभी भाई सबसे पहले देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कौन सी ब्रीड है, बफेलो है, कौन सी बफेलो है, ये है भाई अफ्रीकन बफेलो, ठीक है अफ्रीकन बफेलो, तो खाना देन का यहाँ पे हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे सिंपल हमारे हैबिटेट में, हम चलेंगे फूड एंड वाटर में। अब हम लोग यहाँ पे हमारी जो स्पीशी है अफ्रीकन बफेलो, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी अफ्रीकन बफेलो हमने सिलेक्ट कर ली। एंड अभी सारी चीज इतनी भी है ना, ये सारी अफ्रीकन बफेलो की ही है। सो वाटर के लिए हम लोग यहाँ पे वाटर पाइप लगा देते हैं, ठीक है ये वाटर पाइप लगा दिया मैंने, आई गेस एक से काम चल जाएगा इनका। एंड वाटर खाने का हम लोग भाई बड़ा लगा सकते हैं, सो एक भाई खाने का तो भाई इनका सही चल रहा है, खाने की दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करना है भाई इनका न्यूट्रिशन, देखो कम है काफी न्यूट्रिशन के अंदर, लास्ट मील क्वालिटी अच्छी नहीं है, हाइड्रेशन कम है, तो अब ये चीज फिक्स हो जाएगी इसके साथ पानी के साथ। एंड भाई पानी का भी हमें एक और यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बट सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे ये चीज फिक्स कर देते हैं, जो हमारी ग्रास है ना वो यहाँ पे शॉर्ट ग्रास हमें करनी है, शॉर्ट ग्रास ही कमी है, तो हमारी शॉर्ट ग्रास ही रही, इसको भाई थोड़ा फिक्स करते हैं हम, ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ पे सही फिक्स करते हैं इसको, एंड ग्रास लॉन्ग तो काफी है। अब हम चलते हैं भाई सॉइल पे, तो सॉइल की भाई कमी है यहाँ पे, सो सॉइल वगैरह भी यहाँ पे फिक्स करते हैं फटाफट से। तो ये भाई इनका यहाँ पे सॉइल वगैरह भी हो चुका है प्रॉपर फिक्स, एंड बाकी चीज भी भाई इनकी प्रॉपर है। एंड रॉक का
जो है वो थोड़ा सा मैं इनका इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। रॉक का भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, अब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अभी अब हम लोग करेंगे यहाँ पे एनवायरमेंट में चलेंगे एंड इनका जो है रुको यहाँ पर आकर के हम लोग इस ब्रीड को कर लेंगे सिलेक्ट हमारी यहाँ पे। अच्छा, ब्रीड की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिंपली जो प्लांट लगाएंगे ना पता चल जाएगा हमको कि भाई इनके लिए एप्रोप्रिएट है कि नहीं। सो ये प्लांट इनके लिए, ये वाला काफी सही है इनके लिए, सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सो इसके अराउंड हम लोग लगा सकते हैं भाई 2-3, ठीक है, ये लगा दिया हमने। एंड तुम लोग ये देखना जो कवरेज है ना, इसको मैं सेंटर में लेकर के आ जाऊंगा। एंड अभी मैं छोटे प्लांट देखता हूँ यहाँ पे लगा करके हमारे फ्लावर टाइप के। सो हमारे फ्लावर टाइप के किधर है भाई, किधर है फ्लावर्स है कि नहीं है। अरे छोटे वाले नहीं है क्या हमारे पास? अरे ये ना, तो हम लोग इसको लगा कर देखते हैं कि ये सूट भाई ये सूटेबल नहीं, देखो यहाँ पे आ गया अनसूटेबल प्लांट। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसे रिमूव कर सकते हैं। एंड ये भी शायद हाँ ये भी अनसूटेबल रहेगा। एलोवेरा सारे अनसूटेबल है भाई इनके लिए, ठीक है। एलोवेरा को हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग इनको लगा कर देखते हैं जो हमारे यहाँ पे फ्लावर्स है। हाँ भाई ये हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से, इससे हम लोग यहाँ पे इसको डेकोरेट कर देते हैं अच्छे से पूरे को। इससे क्या होगा भाई, एनिमल्स वगैरह भाई काफी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे मतलब। एंड जो हमारे प्रोटेस्टर्स वगैरह ना भाई, वो कभी पास नहीं आएंगे, मतलब वो आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे बेफालतू में यहाँ पे, तो वो चीज काफी सही हो जाएगी। तो अभी तुम लोग देख लो भाई, हमने कवरेज काफी ठीक कर दिया इनकी। एंड अब हम लोग चलते हैं भाई एनरिचमेंट पे। एनरिचमेंट में तो भाई कुछ कर नहीं सकते हम इसका यहाँ पे एनरिचमेंट का, भाई मैं सही बताऊं तो अभी हाँ ये शेल्टर भी मेरे को पता करना है भाई, शेल्टर इनके लिए सूटेबल है कि नहीं। सो हम लोग बेड एंड शेल्टर पे चलेंगे। अफ्रीकन बफेलो के लिए भाई हमारे जो शेल्टर हमने लगाया है ये भाई चल जाएगा, नहीं ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा शेल्टर इसके लिए, मैंने शेल्टर भी गड़बड़ लगाया है यहाँ पे। इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं भाई पूरे को। सो इसको हम लोग करते हैं, अच्छा ये अभी पूरा डिलीट, अरे हाँ इसको पूरा डिलीट करने के लिए हम लोग कंट्रोल दबा करके इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तुम्हारा भाई अब एक्सपर्ट होता जा रहा है यार, तुम थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को बस, तो मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊंगा एकदम इसमें। एंड बाकी अभी इनके लिए भाई फटाफट से बढ़िया सा एक शेल्टर भी लगा देते हैं। सो आई गेस ये शेल्टर इनके लिए काफी सही रहेगा, ठीक है। ये शेल्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड अब एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ एंड रुको इसको उठाते हैं, ठीक है। एंड पूरा तो नहीं हो सकता, हाँ पूरे को उठा करके इनकी जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी हाइट बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैंने हाइट यहाँ पे बढ़ा दिया भाई, थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हाइट, थोड़ी सी कम करते हैं, ठीक है। हाइट मैंने इनकी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इस वाली को चेंज करूँगा विंडो के साथ। तो हमारी विंडो का है ये ग्लास है हमारी, अरे रुको रुको ग्लास में ये नहीं करना, हमें ग्लास में करना है। हमारे पास विंडो का सेक्शन आता है यहाँ पे, रुको रुको ये रहा हमारा विंडो को आ गया। तो हम लोग भाई यहाँ पे सिंपल ऐसे विंडो लगा देंगे, जो कि अगेन तुम लोग देखना कितना प्यारा लग रहा है देखने में। एंड ये देखो मतलब है ना भाई बहुत प्यारा। एंड अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक बढ़िया सा डोनेशन बॉक्स, जो कि हमारे पास ये रहा। सो यहाँ पे भी हम लोग दो डोनेशन बॉक्सेस लगा देंगे बढ़िया से। मतलब भाई तुम्हारा भाई सारी चीज फिक्स करने वाला है यार, तुम लोग देखो बस अभी। एंड हम लोग एक ग्लास जो है वो इस तरफ पे भी लगा सकते हैं यहाँ पर। सो एक ग्लास वाली चीज मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। हम लोग बैरियर्स में आएंगे, हम लोग ग्लास में आएंगे एंड भाई यहाँ पे हम लोग विंडो वाला ग्लास लगा देंगे, बहुत सही। एंड यहाँ पे भी दो हम लोग डोनेशन बॉक्स लगा देंगे, एक डोनेशन बॉक्स हो गया यहाँ पे, एक डोनेशन बॉक्स हो गया यहाँ पे। एंड यार हमारा जो हमने वर्क जोन बनाया है उसके अंदर क्या हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं क्या, डस्टबिन को? हाँ यार डस्टबिन का मेरे को थोड़ा सा समझ रहा था सीन क्या है। डस्टबिन साफ करने के लिए भाई कोई वर्कर है क्या हमारे पास? रुको, स्टाफ में केयरटेकर, कीपर, मैकेनिक, सिक्योरिटी गार्ड, वेंडर, एजुकेटर, एडुकेटर हमारे पास शायद से है, रुको मैं चेक करता हूँ एक बार। हमारे पास एडुकेटर है ना भाई, कीपर है, एडुकेटर है, मैकेनिक है, सिक्योरिटी गार्ड है, केयरटेकर है, वेंडर हमारे पास काफी सारे हैं। और इतने सारे वेंडर कब लिए मैंने, काफी सारे वेंडर उठा रखे हैं मैंने, बट चलो वहीं, ये सब एकदम ठीक है। एंड हाई वर्कलोड, ओके हाई वर्कलोड है इनके पास में भाई कीपर्स के पास। यार कीपर मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे ना, मेरे को लग रहा है कीपर मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास ना काफी काम आ चुका है एंड इनका काम वाम भी करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ सिंगल, ताकि कीपर वगैरह नीचे उतर जाए आराम से, हवा में लटक रखा था भाई, ठीक है। बस अब मैं और नहीं करने वाला यहाँ पे कुछ अभी फिलहाल, ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी। अब बारी आती है भाई यहाँ पर लगाने की एजुकेशन वाला। तो एजुकेशन का मैं यहाँ पे देखता हूँ फटाफट से कहाँ पे था एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आकर के, हाँ ये रहे एजुकेशन, नहीं ये तो प्रोजेक्टर स्क्रीन है, रुको यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ना यार। ये रहे हमारे हैबिटेट एजुकेशन, एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड भाई तुम कुछ भी बोल लो इसको। जेड से हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, एक्स से हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं। एंड हाँ अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे उठा लूंगा, इसको सीधा उठाएंगे, रोटेट करेंगे ऐसे, इसको रोटेट करेंगे ऐसे। एंड अभी इसको मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पर। एंड एक बार चेक कर दे भाई, यार एक ना यहाँ पे हमारी लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है भाई, कहाँ पे घुस गया भाई बंदों में। सो हमारी यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है भाई, तो लाइट अगर एक बार फिक्स हो जाती ना तो और सही हो जाता काम, बट चलो कोई नहीं काम चल जाएगा हमारा इतने में। सो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया एजुकेशन का बोर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस, अरे यार मेरे को प्लेस करना था, शिट भाई क्या कर दिया मैंने, कोई नहीं मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूंगा, इस पे एक्सप्रेस करूंगा, इसको यहाँ पे टॉगल करेंगे हम लोग ऐसे करके। एंड इसको हम लोग ले आएंगे बाहर की साइड ऐसे करके। एंड इसको सीधा कर देंगे यहाँ पर ऐसे। एंड अभी मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल दूंगा, ऊपर कर दूंगा, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नीचे रखते हैं भाई इसको, क्योंकि लोग वगैरह पढ़ पाएंगे ना फिर आराम से, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं। एंड लेट्स गो, इस पर हम लोग लगा देते हैं भाई फटाफट से हमारा अफ्रीकन बफेलो की इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज हो गया परफेक्ट, इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी। एंड इसको लगा देंगे भाई ला करके एक बोर्ड यहाँ पे। एंड अभी इस बोर्ड को हम लोग अगेन सिंपल भाई करेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे इस बोर्ड को डबल टैप करता हूँ, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे,
हम लोग यहाँ पे इसको टॉगल करके इसको यहाँ पे सीधा कर देते हैं फड़िया से, एंड थोड़ा सा यहाँ से सीधा कर देते हैं। एंड अभी इसको मैं आगे निकाल करके यहाँ पे आगे की साइड निकाल देता हूँ, एंड अभी ये चीज़ हो गई है एकदम हमारी जो है परफेक्ट। तुम लोग देख रहे हो भाई, तुम्हारा भाई एकदम परफेक्ट हो चुका है यार, अब कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की भी। एंड देर भी यहाँ से करेंगे, एंड देर वी गो, ये चीज मैंने यहाँ पे भाई आराम से लगा दी है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई है। एंड अब मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, यहाँ पे ना एक दो बोर्ड यहाँ पे भी लगा ही देता हूँ, जो कि होंगे हमारे छोटे वाले, थोड़े साइज में। ये छोटे वाला चलेगा क्या या थोड़ा बड़े वाले चलेगा यहाँ पे? सो सपोज करो मैं एक ना यहाँ पे लगा देता हूँ, एक हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। एंड इस पर अगेन हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन जो की हमारे एनिमल की है, लेट्स गो, ठीक है। काफी सही हो गया भाई, कई अब ना चीजें थोड़ी ना अच्छी लग रही है काफी देखने में, ठीक है। एंड देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे देखने में। एंड अगेन भाई मैं यहाँ पे दोबारा उसमें आएंगे हम लोग, इस बोर्ड पे जाएंगे हम लोग, इसको हम लोग सीधा करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ डाल देंगे यहाँ पर ऐसे करके, प्लेस कर देंगे इसको यहाँ पे सिंपली। अरे यार हट जा तू एक बार भाई, हट भी तो नहीं सकता। नहीं भाई क्या हो रहा है, रुको, फैसिलिटीज भाई क्या क्या प्रेस हो गया भाई पता नहीं। हाँ ये रहा, पीछे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे आओ थोड़ा सा, नीचे चला जाओ थोड़ा सा, एंड देयर वी गो, मैंने प्लेस कर दिया। अब इसके अंदर फटाफट से हम लोग यहाँ पे अफ्रीकन बफेलो को हम लोग छोड़ देते हैं। अरे आई क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन, नो पावर, अरे यहाँ पे पावर नहीं पहुंच रही क्या? ओ यहाँ तक तो पावर ही नहीं है। रुको चलो मैं फटाफट से पावर का और पानी का फिक्स कर देता हूँ। सो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे फैसिलिटीज में, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्मर। सो हम लोग एक ट्रांसफॉर्मर जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसके पीछे ऐसे करके, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर मैंने प्लेस कर दिया, एंड अभी भाई यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी पूरी जगह, यहाँ पे काफी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। अभी मैं इस बोर्ड को भाई यहाँ पे वापस फिक्स कर देता हूँ, अभी ये हो गया होगा फिक्स भाई ऑटोमेटिकली, हाँ ये फिक्स हो चुका है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पानी का भी लगा देता हूँ भाई जल्दी से। तो ये किसमें था ट्रांसफॉर्मर हमारा, पता नहीं किसमें था, वाटर पंप भी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर टेम्परेचर। टेम्परेचर की तो फिलहाल जरूरत नहीं हमें, हमें अभी यहाँ पे लगाना है वाटर ट्रीटमेंट का, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। एंड इसको हम लोग चेक करेंगे फटाफट से यहाँ पे किससे चेक करेंगे तो मैं दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एच प्रेस करेंगे, एंड भाई प्रेस हो जा, हाँ। एंड वाटर ट्रीटमेंट भाई तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे ये पानी बहुत गंदा हो रखा है, ये पानी तो फिर भी ठीक है जो अब ट्रीट हो जाएंगे आराम से, लेकिन यहाँ वाले पानी काफी गंदे हैं। सो यहाँ पे भी मेरे को एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अरे रुको सीधा करना पड़ेगा, हाँ अब ये चीज भाई यहाँ पे ट्रीट हो जाएगी आराम से। एंड एक ट्रीटमेंट प्लांट मेरे को यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा जल्दी से, इसको भी लगा देते हैं। तो लेट्स गो, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी हमारा पहला हैबिटेट भाई वो एकदम प्रॉपर फिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर 1% की भी कमी नहीं है, तुम 1% कमी बता दो मेरे को, इसमें तुम 1% भी कमी बता दो, बता देना भाई, अगर हुई तो मैं भाई अगले वीडियो फिक्स कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं भाई इसके तरफ, अरे एक तो मर भी गया शायद, ये क्या चीज है भाई, मेरे को लग रहा है एक मर गया, नहीं अच्छे खाना है क्या इनका, ये ओ खाना हो सकता है भाई, ठीक है भाई मैं सोचा मरमुरा गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। इनका सोशल जो है ये चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहले हम लोग बात आते हैं कि टेरेन पे, भाई टेरेन इनका जो है कंप्लीट है एकदम। सॉइल बस थोड़ा बहुत ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे सॉइल में। सो ये सॉइल है, थोड़ा बहुत सॉइल और ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये चीज़ और प्रॉपर हो चुकी है। एंड इसमें प्लांट हमने यूज़ करा है भाई प्रॉपर है, कवरेज अभी फिलहाल जीरो ही है। तो हम लोग प्लांट जुपीडा मैप नहीं है, हम लोग भाई प्लांट सिंपल प्लांट वगैरह लगाए थे यहाँ पर भाई भाई भाई, तो सिंगल टैप करना था भाई, क्या टैप कर दिया मैंने, हाँ। सो अब हम लोग यहाँ पे प्लांट्स पे चलते हैं, एंड प्लांट्स हम लोग लगाए थे यहाँ पे डेजर्ट वाले प्लांट थोड़े बहुत। सो एक तो हमारा भाई ट्री तो काफी अजीब लग रहा है, इस ट्री को हम लोग लगा सकते हैं क्या, नहीं इस ट्री को रहने देते हैं हम, इधर एलोवेरा खाते लगा सकते हैं यहाँ, हाँ भाई एलोवेरा इनके लिए ठीक चल रहा है, बट एलोवेरा का प्लांट काफी छोटा है, एलोवेरा का प्लांट नहीं, हम लोग इसको लगा सकते हैं क्या, हाँ भाई इसको हम लोग लगा सकते हैं, इसको हम लोग भाई इससे डेकोरेट करने वाले हैं इसका पूरा, इसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, बहुत सही भाई। एंड ये 8% पर आ चुका है जो कि भाई बहुत सही है, एंड इतने काफ़ी लग रहे हैं मेरे को। एंड बाकी अब यहाँ पे थोड़े बहुत ना मैं पौधे लगा करके देखता हूँ। सो ये पौधे यहाँ पे लग जाएंगे क्या, पौधे, हाँ ये पौधे लगा सकते हैं हम लोग आराम से, तो ये चीज़ काफ़ी सही हो गई यहाँ पे, तो इन पौधों को भी हम लोग यहाँ लगाए थे, बढ़िया। ये लो यहाँ पे एंड यहाँ पे भाई, बढ़िया कर दूंगा मैं सब कुछ, टेंशन मत लो तुम लोग, इतना सही कर दूंगा भाई, तुम भी कहोगे भाई मजा आ गया। एंड अभी तो शुरुआत है भाई, एंड अभी तो शुरुआत ही है। एंड भाई मैं अपने जो है डार्क सेबर टूथ भाई जो है उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो तुम कह रहे थे ना यार कि ऊपर से ले जाओ इसको, तो यार ऊपर वाला तो भाई फिलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ अभी के लिए नहीं लगता, क्योंकि भाई ऊपर वाला मेरे को इतना ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आई चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, कुछ टाइम बाद जैसे मेरे को सारी चीज़ें अच्छे से और पता चलेंगी भाई वो मैं कर दूंगा। इनका खाने का करते हैं फिलहाल भाई, खाना वाना इनका है क्या, भूख भूख लग रही है कि नहीं लग रही। एंड भाई बाकी चीज़ चेक करते हैं, सोशल यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी तभी इनका सोशल ग्रुप जो है वो ठीक हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड और कुछ खाने का इनके भाई इनका चेक कर लेते हैं हम। सो खाने का एक बार इनका यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारी कौन सी ब्रीड है भाई, ये हमारी अफ्रीकन वाइल्ड डॉग को हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, हमारा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग ये रहा। इसका खाने का भाई मैंने यहाँ पे गलत लगा रखा है भाई, ये खाने का नहीं चलेगा इसका यहाँ पे, इसका हम लोग ये लार्ज वाला नहीं, इसका स्मॉल लगा देते हैं, तो एक स्मॉल हम लोग यहाँ लगाते हैं, एंड एक स्मॉल इनका यहाँ पे सोने के पास लगाते हैं।
एंड पानी के लिए भाई, पानी के लिए तो कुछ है ही नहीं ना शायद यहाँ पे, पानी के लिए है बट आई डोंट थिंक भाई इसमें पियेंगे ये। सो पानी कहीं का पाइप ही लगाया था भाई मैं बड़ा अच्छे वाला। एंड अभी भाई इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे फिक्स, इसको हटाते हैं यहाँ से। एंड ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। सो ये चीज़ भी हो चुकी है यहाँ पे प्रॉपर बढ़िया। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बस थोड़े बहुत ग्लासेस वगैरह लगा देने मेरे को यहाँ पे। सो इसको और इसको, इन दोनों को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला हूँ ग्लास में। सो हम लोग ग्लास पे चलेंगे। अरे यार सिर्फ ग्लास पे नहीं टैप करना मेरे को, ग्लास की हमें यहाँ पे विंडो पे जाना है, ठीक है। एंड ये रही ग्लास विंडो भाई, ये सिंगल नहीं हो सकता क्या? पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग बोर्ड लगा देंगे एजुकेशन वाला। सो हम लोग चलेंगे फैसिलिटीज़ में, यहाँ पे आ जाएंगे ऑल में, हम लोग यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड लगा देंगे। एक बोर्ड हमारे पास यहाँ पर है ऑलरेडी, इस बोर्ड को यहाँ पे लगा दूंगा मैं। इस बोर्ड को हम लोग लगाएंगे भाई यहाँ पे कुछ ऐसे करके, लेट्स गो, बहुत सही। एंड इस बोर्ड पे मैं यहाँ पे सिंपली लगा दूंगा यहाँ पे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के बारे में, ठीक है भाई। क्या सही लग रहा है बोर्ड ये। एंड यहाँ पे पहले बोर्ड का काम कम्प्लीट कर लेते हैं हम लोग चारों तरफ। एक बोर्ड वहाँ पे हो गया, एंड एक बोर्ड अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लगाता हूँ भाई, सही से ऐसे यहाँ पे, ठीक है। एक बोर्ड मैं यहाँ पे लगाता हूँ थोड़ा ऐसे करके। एंड अभी भाई यहाँ पे ग्लास भी लगाए थे हम लोग, तो यहाँ पे ग्लास भाई दोनों जगह लग जाएंगे, इस पे एंड इस पे लग जाएगा एक, एंड एक लग जाएगा भाई हमारा इस वाले पे। सो इनको मैं यहाँ पे विंडो पे कन्वर्ट कर देता हूँ। बहुत सही भाई, क्या सही लग रहा है पूरा देखने में। एंड अभी यहाँ पे लगाया था भाई मैं जल्दी से, भाई अभी तो बहुत पैसा आने वाला है भाई, तुम लोग देखते जाओ बस, तुम्हारा भाई इतने पैसे पैसे छाप लेगा ना। इसको ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, एंड इसको लगा देंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे। एंड अब लाते हैं भाई फटाफट से हम लोग डोनेशन बॉक्सेस। सो डोनेशन बॉक्सेस हमारे पास ये रहे, तो एक डोनेशन बॉक्स हमारा इसी के साइड में आ जाएगा भाई। कहाँ लगाए देखना जाके, हाँ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ लगा देंगे, एंड एक हम लोग यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इस साइड पे तो है ही ऑलरेडी। सो एक हम लोग बॉक्स इधर की साइड पे लगा देंगे, एंड एक बॉक्स हम लोग इधर की साइड पे लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ परफेक्ट होगी, दो हमारे फिक्स हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे की तरफ, इसके देखते हैं हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रखी है भाई। अच्छा मेरे को लगा भाई क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ सो अब आते हैं हम लोग इस पे भाई, यहाँ पे इसका क्या क्या दिक्कत हो रखी है। टेरेन भाई ग्रास शॉट चाहिए इसको, तो भाई ग्रास शॉट लगा देते हैं भाई, इसकी डिमांड है। तो ये शॉर्ट ग्रास मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐड कर देता हूँ भाई, लॉन्ग कुछ ज़्यादा ही है तो थोड़ी शॉर्ट वॉट ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे शॉर्ट ग्रास हो चुके हैं इसके प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे प्लांट्स में। सो इसको प्लांट जो पसंद है, ये पसंद है क्या प्लांट इसको भाई, काफ़ी बड़ाई वाला, तो हाँ ये चल सकता है अगर पसंद हुआ तो। हाँ भाई पसंद है इसको ये। सो ये लगाया था मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एंड एक यहाँ पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग छोटे छोटे और कुछ लगा सकते हैं क्या, छोटे छोटे, हाँ ये लगा सकते हैं क्या, लेट्स सी भाई एक बार। भाई तो बहुत छोटे हैं भाई, मेरे को लगा था कुछ अजीब सा ही है, बट ये तो एक्चुअल में काफ़ी छोटे हैं। हाँ इसको लगा सकते हैं क्या? हाँ भाई इसको लगा सकते हैं। सो इनको भाई एक एक बीच में लगा देता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे। एंड बाकी फिलहाल भाई तुम लोग सोचोगे ना काफ़ी छोटा छोटा लग रहा है भाई, बाद में मैंने इसको पूरे को डेकोरेट करूँगा भाई, पत्थरों से स्टोन से बहुत प्यारा डेकोरेट करूँगा बाद में। फिलहाल के लिए डेकोरेट नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि भाई अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास डेकोरेशन का। या मैं ऑफलाइन बैठ के डेकोरेट करूँगा भाई, या फिर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जिसमें भाई साथ में मिलकर डेकोरेट करेंगे हम। तुम लोग जब तक आइडियाज़ दे दो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया, कि भाई मैं किस किस तरीके से डेकोरेट करूँ। पत्थर तो मैं लगाऊँगा लगाऊँगा, साथ में और क्या क्या चीज़ें बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी लगाऊँगा यहाँ पे, वो चीज़ तुम लोगों को बता देना। बाकी ये हो गया इनका यहाँ पे पूरा डेकोरेशन प्रॉपर बढ़िया, ठीक है। एंड इनका मैंने चीज़ ये तो चेक ही करी नहीं कि जो मैं इनका हैबिटेट यहाँ पे लगा रखा है, क्या ये हैबिटेट इनके लिए सूटेबल है कि नहीं। सो शेल्टर में देखते हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, हाँ सेलेक्ट कर तो रखा था मैंने यार हमारा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग जो हमने इसके लिए लगाया, ये परफेक्ट है ना। एंड एक सेकेंड, हाँ ये इसके लिए ठीक है चल जाएगा। ये बड़े वाला लगा रखा है, नहीं मैंने कौन सा लगा रखा है यहाँ पे, मैंने लगा रखा है ये वाला, हाँ ये चल जाएगा इसके लिए बहुत सही ये। एंड अब हम लोग चेक करते हैं भाई फटाफट से हमारा कौन सा ब्रीड, कौन सी ब्रीड है भाई ये, ये है हमारी मुनीना भाई चोसी भाई, एक बार चेक करते हैं इसको भी। हम चलते हैं भाई यहाँ पे हैबिटेट में, इसको हटाते हैं, एंड हम लोग स्पीशीज में चलते हैं, एम सेक्शन में चलते हैं। एंड हमारी भाई, अच्छा ये, अरे यार ये तो नाम है इसका आर्डोव करके है इसकी, जो सबसे टॉप पे है भाई, ठीक है। इसका मैंने जो शेल्टर लगा रखा है ये यही वाला है ना, हाँ ये यही वाला है शेल्टर, इसका चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को यहाँ पे बस खाने का चेक करना है, इनका खाने का जो मैंने लगा रखा है क्या वो ठीक है कि नहीं है। नहीं देखो खाने का भी ठीक नहीं है, तो पानी का इसका एक ही लगाता हूँ मैं, खाने का मैं इसकी दो प्लेट लगाता हूँ, ये वाली एक एंड ये वाली दो, एंड जो बाकी दोनों है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिमूव। तो भाई ये चीज़ भी यहाँ पे हो चुकी है फिक्स। एंड यहाँ पे सिंपली अब मैं विंडो का भी काम कर देता हूँ, ये हमने विंडो ग्लास लगा दी,
ये हमने विंडो ग्लास लगा दिया, ये हमने यहाँ पे विंडो ग्लास लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे फटाफट चल करके इनका हम लोग एडुकेशन का बोर्ड लगा देते हैं। सो इसको मैं पहले थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, लेट्स गो। एंड अभी इसको थोड़ा नीचे करके भाई मैं लगा देता हूँ इधर पे, ठीक है ना। हाँ इधर पे ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। एंड एक को भाई मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सामने पे, सामने पे आ जाएगा भाई ये यहाँ पर इधर की साइड पे ऐसे करके, ठीक है। एक हमारा आ जाएगा भाई सामने पे ही इधर की साइड पे ऐसे करके। एंड भाई अब तुम लोग देखना पैसों की ना बारिश होने वाली है लिटरली में, भाई पैसों की बारिश होएगी अभी, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें सही कर दी ना यहाँ पे, अब तो भाई पैसा ही पैसा आने वाला है। एंड अभी एक चीज़ और करेंगे हम लोग जो कि भाई नेक्स्ट लेवल ही होने वाली है, तो वो चीज़ भी तुम लोग देखना ज़रूर से। एक डोनेशन बॉक्स यहाँ पे भाई कहाँ लग रहे हैं, एक डोनेशन बॉक्स यहाँ पे, एक हम लोग इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, एक इधर आ जाएगा, दो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। एंड एक मैं लगा दूंगा यहाँ पर, एक मैं लगा दूंगा भाई यहाँ पर, ये चीज़ प्रॉपर होगी। एंड अब भाई बारी बचती है सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर ग्रिजली बेयर, कौन से बेयर थे भाई ये, ये थे हमारे फॉर्मोसन ब्लैक बेयर, ओके। सो ये बच रहे हैं भाई यहाँ पे फटाफट से, तो मैं इनको चेक करता हूँ। टेरेन भाई क्या खबाड़ा कर रखा है मैंने भाई, ग्रास शॉट हमें बहुत कमी है, तो ग्रास शॉट लगाता हूँ भाई सबसे पहले काफ़ी सारी, तो ग्रास शॉट थोड़ी मेरे को एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ताकि लॉन्ग ग्रास जो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। सो ये लॉन्ग ग्रास यहाँ ख़त्म हो चुके हैं, अब चलते हैं सॉइल की तरफ, तो थोड़ा सॉइल का भी काम करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, सॉइल भाई काफ़ी लगाना पड़ेगा मेरे को। सो सॉइल का फिक्स हो गया, सैंड थोड़ी बहुत कर देता हूँ, सैंड का भी हो गया, एंड रॉक का भी थोड़ा बहुत कर ही देता हूँ यहाँ पर। सो रॉक का भी यहाँ पे प्रॉपर फिक्स हो गया, ओके। डीप वाटर भी है, ये क्या भाई, नेविगेबल क्लाइंब एरिया, थे नेविगेबल क्लाइंबिंग एरिया भाई, इस चीज़ का तुम लोग बता देना, इस चीज़ का मेरे को क्लियर नहीं है क्या है क्या नहीं। सो यहाँ पे जो मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं ये भाई देखो, ये इनके लिए सूटेबल नहीं है, एंड ये भी इनके लिए सूटेबल नहीं है, बाकी चल जाएंगे। एंड इनका जो कवरेज है भाई काफ़ी कम है यार, इनका भाई मेरे को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। ओ भाई भाई, और क्या पेड़ है ये भाई सब कुछ खतरनाक ही पेड़ है यार ये तो, नहीं भाई इनको नहीं लगा रहा मैं। ये चलेगा क्या, हाँ ये चलेगा। सो इसको मैं थोड़ा बहुत लगाता हूँ यहाँ पर भाई, इनका कवरेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा हम लोगों को, इनका काम नहीं चलेगा भाई, बहुत कम हो रखा है भाई इनका कवरेज यहाँ पर। सो इसको मैं फिक्स करता हूँ भाई फटाफट से यहाँ पर, भाई मेरे को लगा नहीं था यार मैंने इतनी ज़्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ गेम के अंदर, भाई कुछ ज़्यादा खतरनाक गड़बड़ कर रखी थी मैंने, मतलब इतना कबाड़ा भाई सीरियसली आज तक किसी गेम में नहीं करा मैंने। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जो है ये चीज़ हो चुकी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिक्स, ठीक है ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी कितना बच गया भाई यहाँ पे, ओके अभी भी काफ़ी बच रहे हैं। सो टेम्परेचर के लिए भाई यहाँ पे हम लोग कौन कौन से लगा सकते हैं भाई साहब, हाँ इसको हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। सो एक सपोज़ करो यहाँ लगा दिया, ये चलेगा क्या, ये चलेगा 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 चलेगा, हाँ ये चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर भाई साहब खतरनाक। सो इसको मैं चार लगाया था टोटल यहाँ पे ऐसे करके, तो ये चार यहाँ पे हो गए, ठीक है। एंड 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 इधर भी चार ही कर देता हूँ, चलो तो दो तीन एंड ये चार हो गए। एंड अभी भी भाई 27% इनको अभी भी भाई काफ़ी चीज़ें चाहिए। सो डेजर्ट भाई ये पत्थर इतना बड़ा लगाऊँ क्या कहीं पे, नहीं भाई रहने देता हूँ ये। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या हैं, इसके अलावा हैं हमारे पास में ये क्या चीज़ है भाई, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पेड़ है भाई इनमें, ओके। सो ये कौन सी ग्रास है भाई, इसको मैं लगा सकता हूँ क्या, इसको मैं लगा सकता हूँ, यस सर इसको मैं लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसको लगाने से। थोड़ा इनके बेड के आसपास भी यहाँ पे इनका जो ये रहने का है इसके आसपास भी कर दूँगा ग्रास, इसके आसपास भी हम लोग कर देते थोड़ी ग्रीनरी। एंड लेट्स सी यहाँ पे भी कैसी ग्रीनरी रहने वाली है, इनके बीच में थोड़ी ग्रीनरी कर देता हूँ भाई मैं बढ़िया वाली। एंड भाई पैसे हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं भाई, हमने इतने सारे चेंजेस यहाँ पे कर दिए हैं कि पैसे भी हमारे भाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, बट यार बहुत सही चीज़ कर दी मैंने, हमारे जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे भाई एकदम खुश रहने वाले हैं। भाई अभी कोई कमी रह गई हो ना तो भाई जल्दी से बता दो कॉमेंट सेक्शन में, अभी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो भाई बता देना, मैं उसको फिक्स कर दूंगा। बाकी अभी भी थोड़ा सा रह रखा है भाई, अभी भी थोड़ा सा रह रखा है मेरे को भाई, बड़े पेड़ ही लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ ही लगाने पड़ेंगे भाई साहब मेरे को। सो मैं यहाँ पे भाई चेक करता हूँ ऊपर जा कर के टालगा के भाई, ओके ये प्लांट्स पे चलते हैं हम लोग, एंड हम लोग चलते हैं ट्रीज़ में। सो यहाँ पे भाई ट्रीज़ एक्सपेंसिव वाले कहाँ हैं, ये रे भाई यहाँ पे कुछ ट्रीज़, तो इन ट्रीज़ को लगाया था भाई, छोटे ट्री काफ़ी सही रहेंगे। सो इन छोटे ट्रीज़ को लगा देता हूँ भाई यहाँ पे मैं,
ओके पहले चेक करना तो भाई ये चल रहा है कि नहीं। हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितनी ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए भाई इन लोगों को यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे ये भी लगा दिया मैंने, एंड थोड़ी बहुत हम लोग भाई इस साइड पे भी लगा देते हैं। सो ये एक पेड़ यहाँ पे आ जाएगा, एक पेड़ हमारा यहाँ पे इधर भी आ जाएगा। कुछ पेड़ यहाँ पे लगा देता हूँ भाई मैं लाइन से, सपोज़ करो यहाँ पे तीन पेड़ आ गए। ठीक है यहाँ पे भी भाई तीन पेड़ लगा देता हूँ मैं, एंड तीन पेड़ हो गए। कुछ बड़ा क्या इससे? ओके थोड़ा सा रह गया गाइस बस, तो यहाँ पे चार पेड़ कर सकता हूँ भाई मैं, एंड इधर पे भी भाई मैं यहाँ पे चार पेड़ इस साइड पे लगाया था। और भाई अब इसकी कवरेज जो प्रॉपर हो गई है, एंड थोड़े बहुत और लगा ही देता हूँ भाई मैं यहाँ पे इधर उधर कहीं पे, ताकि ये और अच्छे से हो जाए। चीज़ हमने फिक्स कर दिया भाई इनकी, भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी भाई इस चीज़ पर तो, एंड भाई काफ़ी चीज़ें कम हो रखी थी इसकी। सो ये चीज़ मैंने सारी यहाँ पे फिक्स कर दी है। एंड भाई यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। बाकी रुको रुको, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, हमने भाई अभी तक इसका ये नहीं करा है। सो इसको हम लोग यहाँ पे विंडो कर देते हैं, ठीक है ना। एंड थोड़ा इधर के साथ इधर इस साइड पे भी मैं इसको थोड़ा सा विंडो कर देता हूँ, लेट्स गो। ठीक है दो साइड ठीक है विंडो यहाँ पे, एंड यहाँ पे जल्दी से हम लोग एजुकेशन बोर्ड लगा देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊँगा भाई मैं यहाँ पे क्या बता रहा था। तो एक डोनेशन बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे तो है ऑलरेडी तीन तीन, एक हमारा डोनेशन बॉक्स इधर आ जाएगा एंड एक आ जाएगा इधर। एंड अभी यहाँ पे बोर्ड लगाए थे हम लोग जल्दी से। सो ये बोर्ड हो गया हमारा एक, इस बोर्ड को मैं थोड़ा आगे ला करके थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे लग जाएगा एक, एक हमारा लग जाएगा यहाँ पर कुछ ऐसे करके, एक हमारा लग जाएगा भाई यहाँ पर ऐसे करके, एंड देन फिर एक हमारा लग जाएगा यहाँ पर थोड़ा नीचे जा करके। इसको मैं सीधा करता हूँ पहले, एंड ये हो गया यहाँ पे सीधा, एंड ये चला जाएगा भाई यहाँ पर नीचे। सो अब इनके अंदर भाई जल्दी से डिस्प्ले कर देते हैं हम। तो ये है हमारे भाई बेर, फर्मोसा बेर, एंड इस पर भी कर देते हैं फर्मोसा बेर, इस पर भी कर देते हैं भाई यहाँ पे फर्मोसा बेर, ये हो गया। एंड लास्ट बच रखे हमारा जो कि ये रहा, एंड ये भी यहाँ पे हो गया। ठीक है भाई अब मैंने सारी चीज़ें फिक्स कर दिया बहुत से, एंड हैबिटेट काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बाकी मैं सोच रहा हूँ एक बार ना इसकी जो लेंथ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, हाइट जो इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँ, क्योंकि भाई बेर इसका भरोसा नहीं है, कभी भी कूद सकते हैं, बाकी एनिमल्स तो भाई इतने ज़्यादा खतरनाक हैं नहीं जो कूद जाएंगे। ठीक है हाँ अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें करके, जो मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक बार फिलहाल। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाथ पे जाऊँगा, यहाँ के कुछ पाथ जो इनको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। एंड ये पाथ मैंने डिलीट कर दिए, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे हमारे पाथ में वापस आऊँगा अलाइन टू ग्रिड करके इस पर। अरे यार अलाइन टू ग्रिड पर क्लिक किया मैंने भाई, डिलीट हट जाना। हाँ तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, एंड अभी मैं यहाँ पे और एक सुबह मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा था हम लोग पाथ पे जाएंगे। एंड भाई अब देख लो तो मैं यहाँ पे इसको, अबे यार मैं क्या भाई क्या प्रेस कर दिया सॉरी। हाँ अब मैं यहाँ पे इसको बनाने वाला हूँ एक बहुत सही सी चीज़ भाई। अरे यार मैं लेंथ इसकी क्या कबाड़ा कर रखा है भाई मैंने। हाँ सो इसकी लेंथ मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी भाई पीछे, एंड अभी मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है ये हो गया, एंड ये सेम इधर से भी कर देता हूँ भाई मैं। ठीक है एंड अभी जो भाई हाँ अभी जो है इसकी मैं भाई मैं एक तो ना गलती से गलत पाथ भी सिलेक्ट की भी प्रेस कर देता हूँ ना तो गड़बड़ हो जाती है। ओके कनेक्ट नहीं हो रही क्या ये भाई? ऑब्स्ट्रक्टेड भाई, किससे ऑब्स्ट्रक्टेड है भाई ये? कुछ गड़बड़ लगा देगा मैंने यहाँ पे, रुको रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यहाँ पे। मैंने मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया इस रोड को, तो मैं यहाँ पे दोबारा से जाऊँगा। एंड अभी मैं क्या करूँगा भाई यहाँ पे थोड़े ना गड़बड़ होती है स्टेज के साथ ना, ये चीज़ मेरे को देख के करनी पड़ेगी एकदम। सो अभी ये चीज़ एकदम सही हो गई है आई गेस। एंड अभी मैं चेक करता हूँ भाई इसको, अगर मैं पाथ में जाऊँ भाई अभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड आ रहा है यार, ये ऑब्स्ट्रक्टेड किस लिए आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सो मैं काम ही कर देता हूँ, रुक जाओ इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ पूरे को। एंड जो हमारा ये वाला सेक्शन है ना, इस वाले को मैं आगे की तरफ ले आता हूँ, इसी को हम लोग आगे की तरफ ले आते हैं। एंड भाई इसको यार अगर मैं नीचे उतारना चाहूँ तो ये नीचे नहीं उतरेगा क्या? ये नीचे नहीं उतर सकता क्या? नीचे का देखो यार गाइस, मैं नीचे का थोड़ा सा मेरे को वो नहीं है क्लियर, नीचे का बता देना। बाकी फिलहाल भाई मैंने ऊपर से चढ़ा दिया है, बट नीचे का मेरे से पता नहीं हो नहीं रहा। तो भाई कोई नहीं, अब मैं क्या करता हूँ एक छोटा सा बोर्ड लगाता हूँ एक तो यहाँ पर फटाफट से, यहाँ पर लग जाएगा एक ही बोर्ड ताकि लोगों को पता चल जाएगा कौन सी स्पीशी है। एंड यहाँ पर लगाता हूँ मैं दो तीन डोनेशन बॉक्स ताकि यहाँ से भी हमारे पास, ओ भाई डोनेशन बॉक्स से तो पैसे नहीं बचे, गेम को अब एक बार प्ले करना पड़ेगा। एंड अभी पैसे वैसे आ जाएंगे, एडुकेशन बोर्ड चलेगा नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई पैसे वैसे आ चुके हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर डोनेशन बॉक्स लगाता हूँ, दो डोनेशन बॉक्स हो जाएंगे हमारे यहाँ। एंड स्टेयर्स है ऊपर, ठीक है कोई नहीं। एंड हमारा एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे चल नहीं रहा यार शायद से, सो मैं अगर इस वाले को लगाऊँ यहाँ पर। सो अब मैं एक बार चेक करूँ इसको,
अच्छा उसी में दिक्कत थी, कोई गलत लगा दिया शायद मैंने। सो अफ्रीकन बफेलो या नहीं, हाँ ठीक है। एंड अब चेक करते हैं भाई फटाउट से कि हमारे कीपर वगैरह यहाँ पे सब जगह, ओ कीपर पहुँच चुका है यहाँ पे एक जगह, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करता है वो। यहाँ पे इंस्पेक्शन ले रहा है भाई फटाउट से, खाना पानी आ रहा है नहीं आ रहा, सब चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही है भाई। कैमरा चेंज हो गया क्या मेरा? हाँ भाई कैमरा चेंज हो गया भाई, मैं सोचता हूँ धीरे क्यों चल रहा है इतना। एन भाई सारी चीज़ें परफेक्ट वर्क कर रही हैं भाई, ये देखो यहाँ से भागते हुए जा रहे हैं भाई बंदे आराम से घूमने के लिए। एंड अफ्रीकन बफेलो इज़ अबाउट टू मेट, लेट्स गो, काफ़ी सही। एंड भाई तुमने बताया कि जैसे इनके बच्चे बच्चे हो जाए ना भाई, इनको रिलीज़ कर देना मेरे को वाइल्ड में। एंड जैसे मैं वाइल्ड में रिलीज़ कर दूंगा तो भाई यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, फैसिलिटी लो ऑन कैश, जू तो देखी जाएगी भाई, बट लिटर काफ़ी है यार। लिटर से मेरे को यहाँ पे डील करने के लिए गाइस, हाँ इस चीज़ का बता दो मेरे को बस, लिटर का फिलहाल मैंने कोई चीज़ सोची दी है, कोई चीज़ मेरे को इतना खास पता नहीं है लिटर के बारे में कि इस चीज़ से मैं कैसे डील करूँ, इसी से बता देना। बाकी फिलहाल भाई अभी तक तो जो हमारी चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी सही चल रही हैं, डोनेशन वगैरह भी काफ़ी सही आ रही हैं, हम लोग वापस प्रॉफिट में काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुके हैं यहाँ पर। एंड इंस्पेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही है, खाना वाना काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका। एंड ठीक है भाई देखो सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं इनकी, बस एनरिचमेंट का मैं नेक्स्ट वीडियो में फिक्स कर दूँगा। हैबिटेट काफ़ी अच्छा फिक्स हो गया, ये ऊपर वाली जगह भी काफ़ी अच्छी लग रही है भाई यहाँ पर। यहाँ पर फिलहाल तो कोई आए नहीं है बट यहाँ पर भी आ जाएंगे भाई जल्दी से, बट फिलहाल भाई हमें काम भाई ड्यू टू इनक्रेड सेक्स रेशियो। फोमोसा बेयर भाई, फोमोसा बेयर की और आ रखी है क्या यहाँ पे भाई? दोनों ही फीमेल है ना इसलिए लड़ रही हैं भाई ये, ये हंगरी है आउटसाइडर जेनेट डेंडर रेशियो। ये मेरे को फोमोसा बेयर का चेक करना पड़ेगा यहाँ पे भाई, फोमोसा बेयर और है क्या? ये फीमेल ही है भाई और, रिफ्रेश लिस्ट, फोमोसा बेयर नहीं है भाई हमारे पास यहाँ पे, फोमोसा बेयर नहीं है और भी, ये तो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, गड़बड़ हो गई। पर चलो कोई नहीं, मैं आने वाला टाइम भाई हटा क्यों नहीं फिल्टर, ये रीसेट ऑल फिल्टर्स। एंड 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 फोमोसा बेयर कोई भी भाई, फोमोसा बेयर की दिक्कत हो गई यार, अगर होता ना तो भाई काम हो जाता हमारा बढ़िया। एंड यहाँ पे एनी स्पीशीज़ पे क्लिक कर रखा है बट यार और स्पीशीज़ पता नहीं क्यों नहीं आ रही यहाँ पे अब। भाई ये तो हम नहीं कर सकते अफोर्ड अभी, पर चलो कोई नहीं, इनको मैं देखता हूँ आने वाले टाइम पे कुछ हो सकता होगा तो। बाकी इंस्पेक्टर आ रहा था, कहाँ रह गया भाई इंस्पेक्टर? आ रहा था भाई, गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं अब की बार इंस्पेक्टर यहाँ पे क्या देके जाने वाले हैं हमको, क्योंकि भाई मैंने काफ़ी सही तो कर दिया यहाँ पर। एंड इनका भी भाई काफ़ी सही हो गया, ये देख रहे हो भाई क्या सही लग रहा है भाई देखने में, हमारे बेयर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से घूम रहे हैं भाई यहाँ पे। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन गेस्ट्स, अच्छा इसका, अरे हाँ यार ये बताई थी तुमने कि मेरे को दूर रखना है गेस्ट वगैरह से, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर मूव करके, ठीक है अभी थोड़ा ठीक हो गया होगा आई गेस, अभी थोड़ी सी दिक्कत कम हुई होगी मेरे को जहाँ तक लग रहे हैं, देखते हैं ठीक है, देख नहीं सकते हम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल यार हमारा वो नहीं आया यार अभी तक, इसको हटाओ, इसको हटा नहीं सकते क्या भाई, इसको हटा नहीं सकते क्या हम बैरियर्स में जा करके? इसको रिमूव कर दिया मैंने। इंजर्ड एनिमल भाई, स्पॉट फाइन लग गया भाई, ये क्या थी भाई, क्या चीज़ थी स्पॉट फाइन, किस चीज़ के लिए लगता है भाई? इंजर्ड कौन सा एनिमल इंजर्ड हो गया हमारा? ओ यार थोड़ा सा खर्चा होगा भाई फालतू में, बट चलो कोई नहीं देखते हैं, बस सुबह होती है तो। इंस्पेक्टर हमारा कब तक आएगा पता नहीं भाई। हाँ ये ओवरफ्लोइंग बिन्स का भी यार मेरे को सॉल्यूशन बताओ यार तुम लोग जल्दी से, हमारे कीपर साफ करते हैं इनको नहीं करते हैं हमारे भाई, इसे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो यार इसको मैं ऑफलाइन बैठ के फिक्स कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लो तुम लोग, इसको मैं ऑफलाइन बैठ के फिक्स कर दूंगा। एंड ये चीज़ भी सारी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं कर रही है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा किसी ढंग की जगह फिक्स कर दूंगा, इसके पीछे लगा दूंगा। इंस्पेक्टर हैज़ लेफ्ट, रिपोर्ट रेडी। सो रिपोर्ट में भाई एडुकेशन यार हमने कर तो दी थी अच्छी, स्पॉट फाइन भी लगा दिए इसने भाई, मैंने काफ़ी चीज़ें फिक्स कर दिया है, तो अगर अब भी तुम्हें कुछ लग रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे कमी है तो यार वो चीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके बता दो। बाकी मैंने अपने हाथ से भाई काफ़ी ज़्यादा सही कर दिया, आने वाले एपिसोड में भाई इसको और फिक्स कर दूंगा मैं भाई, धीरे धीरे सीखूंगा यार, एकदम थोड़ा एक्सपर्ट हो जाऊंगा इसमें, धीरे धीरे सीखूंगा। बाकी फिलहाल अभी इसको मैं यहाँ पे चेंज करके भाई अगले एपिसोड में काफ़ी अच्छा बनाऊंगा। बाकी ठीक है फिलहाल मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बस इतना रखते हैं, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक चैनल कर देना, सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, मिलता हूँ लोगों से और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ओ ये तो टूट गया भाई साहब, चलो कोई नहीं देख लूंगा इसको।